कैसा है? अच्छा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो आज हम बना रहे हैं परफेक्ट गोल कप्पे, और उसके लिए हमें चाहिए है सूजी। अच्छा, अगर आपके पास मोटे दाने वाली सूजी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बारीक दानों वाली सूजी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सूजी के अंदर हम 3 टेबलस्पून के करीब मैदा डालेंगे। 1 कप सूजी में 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, और उसे हम देखें छान कर ऐड करेंगे, क्योंकि मैदे में कभी कभार कचरा होता है, तो आप हमेशा मैदे को छान कर यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मोटे दाने वाली सूजी ली है, इसलिए मैं इसमें गरम गरम खोलता हुआ पानी डाल रही हूँ। अगर आपकी सूजी पतले दानों वाली है तो आप उसमें नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसलिए मैं इसके अंदर गरम पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसके जो दाने हैं वो मोटे हैं, तो इस वजह से वो जल्दी से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम कम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखेंगे, और अपने अंदाजे से ही आप पानी डालिएगा इसके अंदर। कम पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको, क्योंकि आपकी जो डो होनी चाहिए वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, नॉर्मल उसका टेक्सचर होना चाहिए। इतनी भी हार्ड ना हो कि आप उसे बेलने में ही आपके जो है वो हाथों में दर्द हो जाए, और इतनी भी सॉफ्ट ना हो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो, बेलने में ही वो टूटना शुरू हो जाए आपके उठाने में। तो जो है देखें किस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। और ये देखें, मैंने इसे ढक कर रख दिया था, 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था मैंने। और अब देखें मैं इसे इस तरह से नीट कर रही हूँ, गूंद रही हूँ, और फिर थोड़ा सा मैदा छड़क कर इसके जो है हम रोटी बना लेंगे। इसे गूंदने के बाद बीच में से 2 हाफ पीस करेंगे, और फिर एक ही हम मैदा छड़क कर रोटी बनाएंगे। और बिल्कुल पतली रोटी बनानी है आपको, मोटी रोटी नहीं बनानी। अगर आपकी मोटी थोड़ी सी रोटी रह गई तो फिर वो गोलगप्पे आपके फूलेंगे नहीं, और फिर आप शिकायत करेंगे कि हमारे गोलगप्पे नहीं फूले। तो इसीलिए ये एक टिप है कि आपको बिल्कुल पतली रोटी बनानी है, चाहे इसके लिए आपके हाथों में दर्द हो जाए, लेकिन आपको पतली रोटी बनानी है। और फिर किसी भी कटर से आप इस तरह से उसे काट लें और रख दें एक ट्रे में। और एक ट्रे में रखने के बाद आप इसे जो है दूसरा बैच अपना बना लें, और फिर जो आपने पहला बैच बना के रखा है आप पहले उसे फ्राई करें, क्योंकि अगर ऊपर थोड़ा सा लेयर आ गई, खुशक हो गया वो, तो फिर वो फूलने में थोड़ा सा मसला करते हैं गोलगप्पे। और हमारा तेल इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें हल्का सा धुआं निकल रहा हो, इतना भी ना हो कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा हो। तो ये देखें इस तरह से डाल कर, और इस तरह से इसके ऊपर जो है हम ऑयल डालते रहेंगे जब तक कि हमारा बेचारा सा गोलगप्पा फूल ना जाए। तो तब तक हम इसके ऊपर ऑयल डालते रहेंगे, और इसकी जो ड्राई वाली साइड है जिस तरह हमने उठाया है ना, उसी तरह उठाकर उसी तरह से हम ऑयल में डाल देंगे, और इसके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे तो जब तक ये फूले ना। देखें किस तरह से ये फूल रहा है, ठीक है। और अब जो है इसे हम एक साइड से पका लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे, और इसका कलर जो है वो डार्क गोल्डन होना चाहिए। ये जो मैंने अभी जो पलटा है ना, इस तरह का कलर नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसमें निकाल दिया ना तो वो क्रंची नहीं होंगे। तो उसको आप जो है थोड़ा सा पकाएं, उसे डार्क ब्राउन कलर दें, और फिर आप अपने गोलगप्पे निकालिएगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ मैं, और बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हमारे गोलगप्पे सही बन नहीं रहे। तो ये देखें बहुत अच्छा मेथड आपको मैंने बताया है, और बिल्कुल डिटेल में बताया है। और ये देखें मैंने अपने गोलगप्पे निकाल लिए, और अभी देखें मैं आपको दोबारा से क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। जो ड्राई वाली साइड है और ये गीली वाली साइड है, ये नीचे रहेगी, और ड्राई वाली साइड ये ऊपर रहेगी, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल डालेंगे और गोलगप्पे को फुलाएंगे। आपको बस थोड़ी सी इसकी टिप्स और ट्रिक्स समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें कुछ लोगों के गोलगप्पे फूल तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि सॉफ्ट हो गए। वो सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जो है उसे लाइट गोल्डन कलर में ही निकाल देते हैं। आपको दिख रहा होता है ऑयल के अंदर कि वो कड़क तो हो गए हैं, लेकिन जब आप उसे निकालते हैं आधा घंटा नहीं गुजरता और वो पतले हो जाते हैं, मतलब ये कि सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यही मसला होता है कि आप उसे जो है वो लाइट गोल्डन कलर में निकाल देते हैं। तो अगर आप उसे जो है और पकाएंगे, आपके गोलगप्पे जलेंगे नहीं, वो मसला नहीं है कि जलेंगे नहीं, आप जो है उसे थोड़ा सा डार्क कलर दें
आप उसे डार्क कलर देंगे और फिर आप उसे निकालेंगे ना, तो आप यकीन करें एक हफ्ते भी आपके गोलगप्पे एयर टाइट कंटेनर में पड़े रहेंगे तो वो नहीं नरम होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। और ये मैंने खुद ने ट्राई की हुई है और ये मैं आपको अपनी रेसिपी, अपनी आजमाई हुई रेसिपी आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल वही वाला मेथड अपनाएं तो बिल्कुल जो है परफेक्ट आपके गोलगप्पे बनेंगे। अभी ये देखिए जो मैंने उसे पलटा है वो सामने वाले को और उसका वो लाइट कलर है, ठीक है। तो अब लोगों ने ये देखा कि वो फूल गया और फौरन से उसे निकाल लिया। अब आपने उसे निकाल लिया, वो थोड़ी देर तो हार्ड रहेगा लेकिन वो फिर आधे घंटे बाद बिल्कुल सा सॉफ्ट सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो इस पॉइंट में आपको नहीं निकालना, आपको जिस पॉइंट में निकालना है गोलगप्पों को मैं आपको वो पॉइंट बताऊँगी, क्योंकि वो डार्क गोल्डन कलर हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है तो आपको वो कलर थोड़ा सा लाइट में नज़र आए, लेकिन वो डार्क गोल्डन कलर होगा जब, तो तब आप उसे निकालेंगे। को ऊपर आई बटन में खजूर की चटनी और गोलगप्पे के मैंने दो किस्म के पानी बनाए थे, उन दोनों की रेसिपीज़ आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैंने चटनी और उसका पानी बनाया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े से इंजॉय किया था। तो आप वो दोनों रेसिपीज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने हाफ हाफ करके वो वीडियोस बनाई हैं गोलगप्पे का पानी की और खजूर की चटनी की। तो प्लीज़ आप ट्राई करें अपने घर में और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपीज़। इस तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे और आपको मैं अभी इसकी एक खनक दिखाती हूँ, जो उसकी क्रंचीनेस है मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे गोलगप्पे क्रंची बने हैं। पॉइंट में आपको निकालने हैं गोलगप्पे जब डार्क कलर हो जाए, इसमें से भी कुछ डार्क नहीं हुए हैं, लेकिन आप मेरा फाइनल लुक देखिएगा कि किस तरह से डार्क हुए हैं कलर। तो ये फाइनल लुक देखें, और ये मेरे भाई को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था जैसे ही गोलगप्पे बने और वो उठा के खाना शुरू हो गया। तो खैर ये देखें फाइनल लुक, और सब चीज़ें रेडी हैं और अब मज़े से गोलगप्पे बनाकर खाएंगे। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़ और फ़ी अमानिल्लाह।